सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्सेल ओपन होगा कैसे, ठीक है। कंप्यूटर में एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे हम, सबसे पहले वो हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट बटन पे आएंगे और यहाँ पे ना आपको एक्सेल टाइप कर देना, एंटर कर दीजिए। एक तरीका तो है ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, विंडो आर करेंगे और यहाँ पे हम क्या है एक्सेल टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे, तब भी हमारा क्या है एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। तो दोनों विधियाँ हैं, दोनों से आप किसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे एक्सेल के में। आज इसकी फर्स्ट क्लास है, कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल। इसे कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स में टूल्स क्या हैं और उसका क्या क्या उसके नेम है, उसके नाम के बारे में हम जानेंगे इसमें कि टूल्स के नेम क्या क्या है हमारे एक्सेल में। और ऐसे जूम इन जूम आउट करना है तो मैंने बता रखा है, कंट्रोल दबा के अगर 20 की बटन हम घुमाएंगे तो जूम कर सकते हैं, कितना 400, मिनिमम 10, ठीक है। वो जो हम यहाँ से जूम स्लाइडर से करते हैं, यहाँ से भी कम ज़्यादा ऐसे किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए सबसे इधर यहाँ पे कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो जहाँ पर ये जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप अगर इस पर मैं यहाँ पे जाता हूँ एरो लेके यहाँ पे, तो सेव दिखाई दे रहा है, शॉर्ट कमांड दिखाई दे रही है सेव के लिए। मैं आप क्लिक कर दूंगा, सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूँगा, इस फाइल को सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ। और ये बैच है आपका और इसको मैं ड्राइव में रख लेता हूँ। अब इसमें जिस कंपोनेंट से मैंने इसको सेव किया है, इन टूल्स का नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये हमारा होगा क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे देखिए हमें टाइटल बार में दिखाई दे रहा है बैच, तो जो नाम आ रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, इसमें पहचान पाए फाइल को, ये फाइल का नाम क्या, टाइटल बार, ये आपका टाइटल बार होगा। इधर हम पढ़ेंगे, इधर हमारे पास क्या है, ये मिनिमाइज है, फिर रिस्टोर बटन है, फिर क्लोज है। तो तीन बटन है हमारे राइट साइड में, पहली कौन सी है मिनिमाइज है, और दूसरी कौन सी है रिस्टोर है आपकी, ठीक है, और लास्ट कौन सी है क्लोज, जिससे हम फाइल को बंद कर देते हैं। ये बटन है हमारे, ये बटन है क्लोज बटन। अब आ जाओ नीचे, इसमें फाइल है, होम, इंसर्ट पेज, ये क्या है, फिर इसको हम बोलते हैं मेनू बार, ये आपका मेनू बार हो जाएगा, ठीक है। मेनू बार के अंदर फिर ये क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, ये इनको हम बोलते हैं टैब, टैब है हमारी। अब टैब कौन कौन से, जैसे आपकी फर्स्ट कौन सी टैब है, फाइल है आपकी, होम, होम टैब हो गई, इंसर्ट है, पेज लेआउट है आपका, फॉर्मूला टैब है, डेटा टैब है इसके अंदर, डेटा रिव्यू टैब है, और व्यू टैब, ये टैब है, इनको हम टैब के नाम से जानते हैं। और मेनू बार चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, एमएस पेंट हो, ये समय दिया होता है, ठीक। अब इसमें कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं ना मुझे होम टैब के अंदर, इसको हम बोलते हैं रिबन बार, ये रिबन बार है, रिबन, ये रिबन बार है, ठीक, जहां पे इसके फंक्शन समय दिखाई देंगे। अब मैं थोड़ा नीचे आऊंगा, यहां देखिए मैं सेल पे क्लिक मैंने किया हुआ, ऊपर से देखो ये ए हाईलाइट हो रहा है, अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ई हाईलाइट हो गया और 10 नंबर की रो हाईलाइट होगी, यानी E10 इसका एड्रेस है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना E10, इसका जो एड्रेस है ना सेल का वो क्या है E10, इसका क्या एड्रेस है C10, इसका क्या एड्रेस है A10, A11 है इसका, 11 हो गया ना, रो चेंज होगी। जो ये है ना ये कॉलम है, ABCD वाले होते हैं कॉलम, पहले हम बोलते हैं कॉलम को फिर बोलते हैं रो को, जैसे इस पे है तो क्या बोलेंगे इसे C11, C11 हो गया, रो 11 ही पर कॉलम चेंज हो गया। मैं इधर आया F11, तो अब ये जो ऑप्शन इस नाम को मुझे दिखा रहा है, जहाँ मुझे इसका एड्रेस जो दिखाई दे रहा है, इसका सेल एड्रेस जो दिखाई रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स है। उससे आगे देखिए, अगर यहाँ पे जो कंटेंट जो डेटा यहाँ पे राइट है सेल के अंदर, जो सेल में जो डेटा राइट है वो मुझे पूरा इधर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार, ठीक है, ये फॉर्मूला बार हो गया, क्योंकि जो भी ओरिजिनल डेटा इन सेलों में राइट होगा ना वो यहाँ दिख जाएगा मुझे, सबको दिखेगा, यहाँ एड्रेस दिखाएगा, नेम बॉक्स, ठीक है, और खाली है तो कुछ नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं इसका। अब नीचे आ जाओ, फिर ये क्या है ABC, ये कॉलम है, कॉलम्स, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स कौन से हैं, ए से लेके इसमें होता है लास्ट नंबर का जो कॉलम है वो है आपका XFD, XFD है लास्ट नंबर का कॉलम, अभी बताऊंगा वो कैसे निकालेंगे।
रो कितनी है इसमें, ये एबीसीडी वाले होते हैं कॉलम, ध्यान देना, ये रो है 1 2 3, ये रो है, यहाँ 1 2 3 लिखा है वो क्या है, रो है, तो ये रोज है, हम रोज के नाम से जानते हैं रोज। अब रो कौन से, यहाँ से 1 से लेके, और ये आपकी होती है 10,48,576, ठीक है, 1 से लेके 10,48,576 हमारी रो है, और कॉलम हमारे, तो ये हमारी रो कॉलम हमें पता चली। अब जिस सेल पे मैंने क्लिक कर रखा है उसे हम बोलते हैं सेल, जैसे मान लो मैं सेल पे, तो एक्टिव सेल कहलाई गई, जिस पे भी हमने क्लिक कर रखा है वो एक्टिव सेल है, वो हमारा होगा एक्टिव सेल, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के बाद अगर मैं नीचे आऊं, इधर राइट साइड आ जाता हूँ, ये क्या है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार, अब नीचे भी स्क्रॉल बार आ रहा है इधर, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, क्योंकि तो जब पेज को, जब सीट बड़ी होती है तो हम पेज को इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं, तो हमें ये वाला स्क्रॉल बार काम करता है, जब नीचे आते हैं ऊपर से नीचे तो ये वाला काम करता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सीट 1 सीट 2, इसको बोलते हैं वर्कशीट, वर्क, ये वर्कशीट्स हैं आपकी। अब वर्कशीट होती कहाँ है, वर्कबुक के अंदर होती है, जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर ही वर्कशीट दी होती हैं, कंप्लीट को वर्कबुक बोलेंगे हम, वर्कबुक, ये कंप्लीट ही हमारी क्या है, ये वर्कबुक है, सीट नहीं है, सीट ये है 1 2 3, ये सीट्स हैं, आप चाहें तो नई भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके ये प्लस का सिंबल आ रहा है ना, ये ऐड करने के लिए नई सीट, तो ये हमारी क्या है, ये है वर्कशीट, और जो कंप्लीट जहाँ मुझे दिखाई दे रही जितनी वर्क, इसमें वर्कशीट रखी हुई वर्कबुक है वो, हाँ वो वर्कबुक है। फिर इसमें है नीचे ये ऑप्शन है, ये हमारा होता है सबसे लास्ट में स्टेटस बार, ये वाला ना, ये स्टेटस बार है, ये है आपका स्टेटस, ये स्टेटस बार हो गया। फिर इसमें क्या है हमारे पास, अब इसमें इधर है जूम स्लाइडर, ये वाला ऑप्शन, जूम स्लाइडर, जूम स्लाइडर है ये, जूम करने के लिए काम आता है, पेज को छोटा बड़ा हम देखना, कितना जूम करके देख सकते हैं, कितना ऐसे नॉर्मल हम कर सकते हैं, ये जूम स्लाइडर आपका वर्क करेगा इस तरीके से। कंट्रोल दबा के भी आप बीच बटन घुमाएंगे माउस की तो ये भी जूम हो जाएगा इस तरीके से, ये जूम स्लाइडर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें रो, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ, इसमें रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रो, तो रो की हम बात करते हैं 10,48,576 नंबर है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी हम बात करेंगे, और चेक करने की सिखाऊँ कैसे चेक करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो कॉलम इसमें है 16,384, टोटल जो कॉलम है इसमें वो है 16,384 कॉलम है इसके अंदर। अगर हम बात करें ये जो लाइन दिखाई दे रही है लाइट लाइट सी, देखिए ना, इसको बोलते हैं हम ग्रिड लाइन, ये आपकी ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइंस कहलाती है, ये जो हमें दिखाई दे रही है यही हमारी क्या है, ये ग्रिड लाइन है। अब मुझे ना लास्ट नंबर ऑफ रो पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ ना मैं क्या करूँगा, डाउन एरो की प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, डाउन एरो की, तो इससे क्या होगा, गो टू द लास्ट नंबर ऑफ रो, उसे लास्ट नंबर ऑफ रो पे हम क्या है मूव कर जाएंगे, तो देख करके देखने के बाद कंट्रोल से डाउन एरो की करो, आ गया 10,48,576 नंबर की रो पे आ गया हूँ मैं, अप जाना है तो कंट्रोल साथ अप एरो की कर दीजिए, अप से ऊपर डाउन से नीचे, और इसी प्रकार से मुझे लास्ट नंबर ऑफ कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, राइट एरो की प्रेस कर देंगे, राइट एरो, इससे क्या होगा, गो टू द लास्ट नंबर ऑफ कॉलम पे हम पहुंच जाएंगे। अगर मुझे लास्ट नंबर कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ में क्या करूंगा, राइट एरो, एक्सेप्ट डी पे आ गया, नहीं आ गया, पर ये जो कॉलम की संख्या है ना, ये कौन सा नंबर है पता है, ये 16,384 नंबर का कॉलम है ये जो हमें दिख रहा है, पर ये दिखेगा कैसे, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये 16,384 नंबर का है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ना मुझे, सिंपल टेक्निक है, हमें ना फाइल ऑप्शन पे जाना है, इसमें ऑप्शन होगा एक,
ऑप्शन के अंदर हमें आना है फॉर्मूला टैब पे, और फॉर्मूला टैब के अंदर वर्किंग विद फॉर्मूलाज, यहाँ पे ना एक R1 C1 स्टाइल है, रोमन स्टाइल बोलते हैं, और इस चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए, यहाँ पे इसमें टिक लगा देना, ओके कर दीजिए। आगे नहीं आ गया 16384 नंबर का क्या है, ये मेरे पास क्या है कॉलम है, तो वापस इसको मैं पहले जैसे ही करूँगा तो यहीं आना पड़ेगा फाइल ऑप्शन पे, जो खाली चेक कराया मैंने आपको, भाई ये ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं। तो मैं वापस कहाँ आ रहा हूँ, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करूँगा तो वापस मैं अपने वहीं पे आ जाऊँगा जहाँ मैं था। तो कंट्रोल डाउन एरो की से क्या हम लास्ट नंबर ऑफ रो पे जाते हैं, कंट्रोल राइट एरो की से क्या है हम अपने ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। और मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से हम क्या है अपने ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। ये राइट मत करो, अभी समझ लो, सिर्फ समझने का टॉपिक है ये। अब हमने बात करते हैं वर्जन की, वर्जन कौन कौन से हैं इसमें एक्सेल के। पहले वर्जन था हमारे पास 2003, उसके बाद आया 2007 आया था, उसके बाद 2000 आप जो सीखो 2010 पे करा रहा हूँ मैं, आप जो सीखो 2010 है वो वर्जन, फिर उसका 2013 आया है 2000, फिर 16 आया था, उसके बाद 2019 आया था, उसके बाद 2002 आया था, उसके बाद 3 ये आ चुका था पहले ही, वैसे 365 एक ऑफिस भी है, इतने MS ऑफिस हैं, MS जो ऑफिस के पार्ट है अब तक इतने वर्जन अपडेट हो चुके हैं। अब रिसेंटली अगर आप कंपनी में जाओगे तो आपको 2021 मिलेगा एडवांस वर्जन, और ये चलता है विंडो 10 पे और 11 पे, 7 पे वर्क नहीं करेगा ये। हाँ 19 ऑफिस तक आप तक 7 ऑफिस तक जो विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चल जाएंगे, पर विंडो 10 पे ये चलेगा और ये चलेगा, ये दोनों विंडो 10 पर ही चलते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक एग्जांपल दिखाया था 2019 जो एक्सेल है वो देखिए किस तरीके का है, काम वही है, होम टैब में सारे फंक्शन वही है, पर कुछ इसमें ना ऑप्शन नए जुड़ जाते हैं हर बार, कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं इसलिए अपडेट होते रहते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं इसमें, अब हम बात करेंगे इसमें टोटल रो कितनी थी और कॉलम कितने थे। 2003 जो ऑफिस था ना उसमें पता है कितनी रो थी कुल, 65,536 रो थी, ठीक है, कुल रो की बात हम कर रहे हैं। कॉलम कितने थे कुल, 256 ओनली 2003 ऑफिस में, जिससे पुराने थे उन सब में इतना ही था। हाँ 2007 से लेकर जब तक आए ना उन सब में सेम है, अब तक का अपडेट जो रो है वो 10,48,576 ही है, और 16,384 सेम है। तो मैं इनको ना सिलेक्ट कर लूँगा, ध्यान से देखना, मैं इनको इधर फिल करूँगा, कुछ मत करो, इनको सिलेक्ट करके ना यहाँ तक सिलेक्ट कर लो इसे, ठीक, और कंट्रोल आर कर देना राइट, ये राइट फिल के लिए होता है एक्सेल के अंदर, कंट्रोल आर होता है राइट फिल, मैं राइट कर देता हूँ कंट्रोल आर, ये आपको हो जाएगा राइट फिल के लिए, राइट फिल लेफ्ट डेटा, तो कंट्रोल आर राइट फिल के लिए है। एक होता है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी होता है फिल डाउन के लिए। सिखाएंगे लेफ्ट के लिए भी सिखाएंगे, अप के लिए भी, डाउन के लिए, बॉटम के लिए भी, चारों डायरेक्शन में सिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसके क्या है वर्जन्स हैं हमारे MS Excel के, जो जो वर्जन अभी अपग्रेड हुए हैं, वैसे एक अभी उस समय पहले एक वर्जन और अपडेट हुआ था, जो हमारा क्या था, एक वर्जन अपडेट हुआ था लिब्रे MS ऑफिस, एक लिब्रे ऑफिस भी है, वो थोड़ा लोएस्ट वर्जन है इनसे, वो लोएस्ट है, वो ऑफिस स्कूलों में सिखाया जाता है उसे, वो अभी नया अपडेट हुआ, अभी ट्रिपल सी के एग्जाम में भी आ चुका है, एक लिब्रे ऑफिस भी होता है, वैसे ही आपके काम का नहीं है, एक लिब्रे ऑफिस भी है, लिब्रे ऑफिस वो इसी की तरह है। आपको इसका मैं डेमो दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह होता है लिब्रे ऑफिस, मैंने उसे ना इंस्टॉल कर रखा है पहले, ये रहा लिब्रे ऑफिस, ये इस तरह अपलोड होगा, और यहाँ पे आपको ना ये दिखाई देंगे भाई आपको राइटर डॉक्यूमेंट खोलना है, स्प्रेडशीट, हम एक्सेल को ही बोलते हैं स्प्रेडशीट, ध्यान देना एक्सेल की सीट स्प्रेडशीट कहलाती है, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे, इसमें ये इसकी सीट कुछ इस तरह होती है, इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस ऐड हैं इसमें भी, ये देखो, पर इसमें जो वो है ना आपके AMZ तक हमें दिखा रहा है,
तो मैं पता करता हूँ टोटल हमारे जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं। शायद अगर फार्मूला चल जाए तो वैसे ऊपर आ रहा है MNS, यहाँ पे कॉलम्स, कॉलम पता करता हूँ कितने टोटल कॉलम कितने हैं। क्लास है तो यहाँ पे 1024 इसमें क्या है टोटल हमारे पास में कॉलम है इसके अंदर 1024 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो अलग है, अब मुझे क्या करना है, हम अपने एमएस ऑफिस पे आते हैं तो लिब्रे ऑफिस में जो आपके टोटल कॉलम है कितने हैं 1024, ठीक है। और हम इसमें बात करें किसकी, जो हमारे पास इसमें अगर रो हैं उसको यदि हम देखें, शायद मैंने लेबर ऑफिस क्लोज कर दिया क्या, तो ये हम देखते हैं इसमें कितने हैं लेबर ऑफिस में जो कॉलम है वो हम देखते हैं, रो देखते हैं रो कितनी है टोटल। तो कंट्रोल सा डाउन एरो की करूंगा मैं तो रो की संख्या सेम है इसमें 1048576 ही है, पर 1024 कितने हैं इसमें कॉलम की संख्या है कम है, कॉलम की संख्या कम है पर रो की संख्या इसमें वो 1048 क्या है 576 है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसके जो रो कॉलम इसे हम कॉपी करेंगे और देखना पेस्ट करने का ना एक्सेल का इतना गजब तरीका, बस आप एंटर कर दीजिए डेटा पेस्ट, कंट्रोल वी भी कर सकते हैं पर मैं एंटर कर रहा हूँ सीधा पेस्ट हो रहा है, चाहे कट हुआ डेटा हो चाहे कॉपी हुआ हो। तो इसमें रो कितनी है वही 1048576 और 1024 कितने हैं इसमें, इसमें कॉलम की संख्याएं हैं। तो समझ में आ गया इसके वर्जन जो अब तक मार्केट में है हमारे पास। और एक ऑफिस और भी होता है वो ऑनलाइन वर्क चलता है, सिर्फ ऑफलाइन ही काम करते हैं उससे, वो ऑनलाइन वर्क होता है उससे, उसका जो डेटा ऑनलाइन ही सेव होगा, ठीक है। वो आपकी गूगल सीट होती है, गूगल सीट से भी वर्क होता है एक्सेल, अगर आपको ये वाला आता है तो आप ना गूगल सीट का आसानी से वर्क कर सकते हो, गूगल पे ही वर्क करते हैं, गूगल सीट होती है एक्सेल की। अभी हमने देखा इसके बारे में, इसे कंपोनेंट के बारे में जाना, इसे कंपोनेंट्स क्या क्या है, टूल्स के नेम क्या क्या है हमारे, और रो टोटल रो कॉलम की संख्याएं पता करी, कौन कौन से वर्जन अपडेट हुए हैं अभी तक वो हमने सारे जानने का प्रयास करा, कितने रो कॉलम की संख्याएं हैं वो हमने सारे जान लिए हैं इधर। अब हम जो अगला ऑप्शन है वो है कंट्रोल वन, जो भी कमांड में सिखाऊंगा कंट्रोल वन है इसके अंदर, और इससे होगा क्या, ओपन फॉर्मेट सेल, ओपन फॉर्मेट सेल विंडो इससे ओपन हो गया, इसी का हम सीखने वाले हैं। ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से बोलते हैं ना एक्सेल के अंदर, कहते हैं मतलब कि सर जीरो लेवल से हमें स्टार्ट कराई, तो यही है पूरे ओवरऑल एक्सेल का जीरो स्टेप, इसमें कंट्रोल वन चलने वाला है इधर, ये वाला यहाँ स्टार्ट होता है। अन्यथा क्या करते हैं, यहाँ से सिखाना लोग स्टार्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ से सिखाना कभी भी स्टार्ट नहीं है, वो एक तरीका सही है पर वो काफ़ी हद तक सक्सेस नहीं हो पाता, परंतु कुछ चीज़ें यहाँ से अगर हम सीखें, फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, पहले फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, नंबर की फॉर्मेटिंग कैसे करें, अमाउंट की फॉर्मेटिंग कैसे करें, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ ना मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, पर ध्यान देना जब हम नंबर एंटर करते हैं ना सेल के अंदर वो जनरल फॉर्मेट में होता है पहले से, जनरल का मतलब सिंपल सामान्य 8 9, एंटर से नीचे आते हैं ध्यान देना, एंटर एंटर डाउन सेल पे आने के लिए होता है 4000 6000 8000 और 10000, ठीक है। मैंने कुछ नंबर ले लिए, कुछ संख्याएं माइनस की हमारे पास, मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो ध्यान देना जब मैं माइनस लगा रहा हूँ ना, इस आप माइनस लगाएंगे तो ये हट जाएगा सब कुछ यहाँ से। अब ये हो कैसे पा रहा, मैं कैसे एग्री कर पा रहा हूँ, तो इस पर ना डबल क्लिक करना है सेल पे, पहले माउस की लेफ्ट बटन क्या करना, डबल क्लिक करना ताकि एडिट मोड में आ जाए, तब इसमें माइनस लगा पा रहा हूँ। अब डायरेक्ट आओ डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, सब हट जाएगा मिट जाएगा सब कुछ पुराना जो इसमें है, अगर हमें माइनस लगाने का प्रयास करूँगा तो हट जाएगा, अगर हट गया है तो क्या करना, तुरंत एस्केप दबा देना कीबोर्ड से, पुराना डेटा वापस आ जाएगा उसी सेल के अंदर। तो एडिट करने के लिए क्या करना, डबल क्लिक करेंगे उसी सेल पर हम माउस की लेफ्ट बटन, ताकि हम सेल को एडिट कर पाए। तो अब जो मेरे पास संख्याएं हैं ना वो क्या है, ये जो संख्याएं हैं ये ना जनरल फॉर्मेट है, अभी ये जनरल माने जो नॉर्मली हम जो हम एंटर करेंगे ना वो जनरल, ये सारा कुछ जनरल में ही एंटर है, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं करी है मैंने। अब मैं इसकी ना कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा, और ध्यान देना जब मैं इसी की कस्टम फॉर्मेटिंग करूंगा ना, इसका डिजाइन बदल जाएगा पर इसका जो ओरिजिनल डेटा ना वही रहेगा जो उसमें है, वो नहीं बदलेगा कभी भी, जो ओरिजिनल जो चीज़ है ना इसके अंदर, सॉरी जो डेटा है वो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ 4000 है तो यहाँ 4000 यहाँ दिखाई दे जाएगा, आप इसे बोल्ड कर दो, टैलिक कर दो,
जो ओरिजिनल डेटा है मुझे फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा। तो विजिबिलिटी इसकी मैं चेंज करूंगा पर इसका डेटा नहीं बदलेगा, जो ओरिजिनल इसमें है वो कस्टम से हो पाएगा। तो कंट्रोल वन कर रहा हूँ मैं सेलेक्ट करके, तो देखो सैंपल में क्या दिखाई दे रहा है, जनरल में सिंपल आ रहा है, नहीं आ रहा सिंपल डेटा बिल्कुल सिंपल है माइनस 5000। जैसे ही मैं नंबर पाऊंगा तब मुझे बताना इसमें क्या बदलाव दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्या इफेक्ट आया सैंपल के अंदर, सैंपल तो वहाँ भी था यहाँ भी सैंपल ही है, और इसमें क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है, देखो क्या अंतर समझ में आ रहा है। माइनस तो यहां भी है, दो डेसिमल प्लेस ऐड हो गए हैं इसमें, इसमें दो डेसिमल प्लेस ऐड हो गए, मैं ओके कर दूंगा देखना डेसिमल प्लेस ऐड हो जाएंगे यहां। और जब यहां कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, डबल क्लिक करके मैं चेक करूं तो क्योंकि मैंने बोला है कि बताया है कि ओरिजिनल जो डेटा है ना वो मुझे दिख जाएगा कहां फॉर्मूला बार के अंदर, कोई जीरो नहीं है इधर, वो खाली विजिबल हो रही है मुझे सिर्फ, मतलब दिख रही है डेटा के अंदर हमारे सेल के अंदर। अगर जीरो नहीं चाहिए इसको हम करेंगे सेलेक्ट और कंट्रोल वन पे जाएंगे दोबारा, और यहाँ ना एक ऑप्शन है इस डेसिमल प्लेस को आप जीरो कर दो, यहाँ से इसको जीरो कर दो, ओके कर दीजिए, यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं आएगा अगर नहीं चाहिए तो। पर इसकी भी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई अभी भी, फॉर्मेटिंग देखना अब करेंगे इसकी। अब देखना यहाँ माइनस के डेटा को, जो माइनस में वैल्यूज है मेरे पास उनको दिखाने के चार मेथड हैं। पहले तो इसमें चल ही रहा है डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आ रहा है, वो माइनस पहले से दिख रहा है मुझे नॉर्मल, तो एक है कि उससे ना तीन मेथड और हैं अभी, या तो उसे रेड में दिखा दो आप शो कराने के लिए, सीट में रेड में कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो संख्याएं माइनस की होंगी ना वो रेड में दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको, फिर वो माइनस नहीं आएगा वहाँ वो रेड में आ जाएंगी, या फिर आप उसे ब्रैकेट में शो करा सकते हो, जैसे ब्रैकेट माइनस सिंबल हट गया ना ओके कीजिए, जहाँ माइनस संख्या होगी ना वो ब्रैकेट में अपना आप आ गई है। ये मैं कस्टम फॉर्मेटिंग ही तो करी है मैंने, ये जो मैंने कराई कस्टम फॉर्मेटिंग ही तो की है, इधर जो माइनस का डेटा था उसको एक अलग फॉर्मेट में देखना स्टार्ट हो जाए। तो वैसे देखो ब्लैक ये भी है ये भी है, पर ये ब्रैकेट में इसका यही इंडिकेट करता है हमें, अगर आप ऊपर जाके यहाँ देखेंगे तो माइनस है ये संख्या क्या है माइनस की है। तो मान लो ये ब्लैक नहीं दिखाना है, ब्लैक हम इसलिए दिखा देते हैं कई बार ना जब हम रिपोर्ट प्रिंट करते हैं ना वो ब्लैक में निकलती है, कलर दे देंगे तो थोड़ा लाइट दिखेगी वो थोड़ा लाइट दिखेगी है ना, तो इसलिए हमने क्या करा उसे ब्रैकेट में रख दिया हमने। आप चाहे तो उसे कंट्रोल वन क्लिक करके इसके ऊपर दोबारा से आप रेड में भी शो करा सकते हो। अब रेड में क्यों है, ये माइनस में है, ये संख्याएं माइनस की है मेरे पास, और बाकी क्या है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव संख्याएं हैं, ये माइनस की है। अब इसके दो प्रोफेशनल मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, आप सामने वाले को कैसे समझाओगे, सामने वाला अगर एक्सेल में काम करता है उसे तो यहाँ पे ना वो पता चल जाएगा, जैसे वो सेल पे आएगा एक तरीका यही है कि वो डबल क्लिक चेक करेगा कि संख्या माइनस की है, और थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए राइट क्लिक करके ना इंसर्ट कमेंट हम डालने वाले हैं इस पर, कमेंट तो हम यहाँ पे शो कर देंगे, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव नंबर हम। अब जब भी इस पर यूजर यहाँ आएगा तुरंत क्या इंडिकेट करेगा उसे मैसेज कि दिस इज नेगेटिव नंबर है, तो समझ जाएगा सामने वाला क्या है नेगेटिव नंबर। दूसरा क्या, हम नोट डाल सकते हैं, नोट तो सबको पता है भाई, नोट का मतलब क्या है कि हमने इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ हमने नोट दे दिया नीचे ही नोटिस, जैसे नोट तो हमने क्या राइट कर दिया अबव रेड ब्रैकेट वैल्यू आर नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसको दो तरीके हैं आपको नेगेटिव नंबर को देखो, और भी थोड़ा इजी समझाने के लिए सामने वाले को, ठीक है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने ये हमने दो तरीके बताए मैंने आपको, एक तो आप मैसेज, ठीक है, मैसेज से एब्रिविएशन दे सकते हो या फिर नीचे नोट दे दीजिए, और तीसरा तरीका उसमें पहले से ही है, ठीक है। ये हमारे पास दो और आसान तरीके होंगे जिससे हम सामने वाले को समझा पाएंगे, इसे आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि इसे जो सामने वाला है वो उसका ध्यान इस पर सीधा जाए, वो सीधा पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा, या कुछ नोट भी दे रखा है इसके बारे में। देखा नहीं, अगर कोई मैन आप कोई चीज़ मार्केट से कुछ परचेज करके लाते हो कोई मोबाइल फ़ोन, उसका ना एक मैनुअल आता है, उसमें नोट लिखे होते हैं इसका आप ऐसे ओपन करेंगे ऐसे फॉलो करेंगे, आप बैटरी निकाल सकते हो इस तरह से, आप सिम निकाल सकते हो, होते नहीं होते ऑप्शन, वही कंसेप्ट है इसके अंदर ये। चलो ये तो है नंबर पे, अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो नंबर की फॉर्मेटिंग इस तरह कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की बात हो रही है, अगर नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मेरे पास ना इधर क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट ना थाउजेंड्स थाउजेंड्स में है, जैसे मैंने 50,000 60,000 20,000 30,000 10,000
50,000, 60,000, और यहाँ पे क्या है 40,000, 50,000, 60,000। तो ये जो अमाउंट है ना, ये किस फॉर्मेट में, जर्नल में है। एक्सेल में हम जब भी कोई एंट्री कर देते हैं, उसी कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हैं, तो जर्नल में ही होती है। तो इसी अमाउंट को ना मैं इधर एक साथ इन कॉलमों में फिल करूंगा, कितने में, तीन कॉलम में और जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, रेंज कर लिया सेलेक्ट। तो राइट फील्ड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर कर दीजिए, सेम अमाउंट कॉपी हो जाएगी, बगैर कॉपी करेगा। ठीक है, ये तो है जनरल फॉर्मेट। इसको ना देखना प्रोफेशनल में कन्वर्ट करूंगा, इसी फॉर्म, इसी अमाउंट को प्रोफेशनल में, ताकि रिपोर्ट जब बना के दें हम सामने वाले को, तो एक अच्छा जो इफेक्ट है वो हमारा जाए। ठीक है, देखना कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, और यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास नंबर भी आना, और यहाँ एक ऑप्शन होता है यूज थाउजेंड सेपरेटर। ऊपर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, तीन जीरो के बाद कॉमा लग गया, नहीं लग गया। अब इस अमाउंट को देखिए आप, और इसको देखिए, दोनों में आसानी से रीड कर पाना किसको आसान है, इसको आसान है ना, क्योंकि सेपरेटर लगा दिया हमने। यहाँ अमाउंट जो है वो एक जनरल फॉर्मेट में है, तो ये हमारा क्या होगा, इसे बोलते हैं थाउजेंड सेपरेटर, कॉमा सेपरेटर अप्लाई करना। और ये जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट का जो वर्क करते हैं, सैलरी शीट तैयार करते हैं, और ये सबको ऑप्शन काम आता है, जो फाइनेंशियल के बंदे हैं, जो भी ऑपरेटिंग काम संभालते हैं एक्सेल पे, ये उनको फॉर्मेट काम आता ही आता है, और 100% ये ऑप्शन काम करेगा ही करेगा, इसे बोलो काम चलता भी नहीं है। तो जहाँ भी प्रोफेशनल तरीके से रिपोर्ट डिजाइन करनी होती है, तो मैंने नंबर को एक कॉमा सेपरेटर से उसे थोड़ा क्या है, और एक इजी कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया, हम एक प्रोफेशनल उसे डिजाइन लेआउट हमने अप्लाई कर दिया है। एक तरीका तो ये है, एक तो ये था पहला जो सिंपल हमने कर दिया, दूसरा ये है, तीसरा देखो, तीसरा तरीका ये है कि मैं इसे करूँगा सेलेक्ट, और देखिए कंट्रोल वन, एक करेंसी ऑप्शन है, ये तो मैंने कवर कर दिया पूरा यहाँ तक, ये तो हो गया करेंसी है। अब करेंसी तो अलग अलग देश की अलग अलग है ना, अलग अलग देश की अलग अलग है, तो हम इंडिया में तो रुपीज ही चलते हैं, यहाँ तो लोग रुपये भी ढंग से नहीं कमा पा रहे इंडिया में, तो करेंसी तो चलो हम करेंसी चला के देखते हैं, हो सकता है हम भी करेंसी आगे से कमाने लगे। तो देखिए, तो यहाँ ना कुछ करेंसी हमें दे रखी है, जैसे आप उन्हें क्या करना, डेसिमल प्लेस कर देना जीरो, डेसिमल प्लेस की जरूरत भी नहीं है मुझे, जब मैं अमाउंट को पैसे मेंटेन करूंगा तो वहाँ जरूरत पड़ेगी मुझे, पैसे में जब अमाउंट देते हैं ना नीचे, तब हमें इसे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा एक इंडियन डॉलर, ये एक देखिए, ये हिंदी का फॉन्ट आ गया, नहीं आ गया, कई बार ये भी हम, अगर आपको आवश्यकता इस तरीके से अप्लाई करना तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, अपने अमाउंट के से पहले ये सिंबल जो अप्लाई हो जाएगा, परंतु यहाँ ना कोई सिंबल नहीं है, ऊपर देखेंगे आप तो खाली विजिबल हो रहा है, रिपोर्ट बनाते समय एक काम मुझे हेल्प कर रहा है मेरी, तो सिर्फ मुझे ये यहाँ पर दिखाई देगा। तो देखा हमने एक तरीका तो ये देखा, और देखो इसमें सेपरेटर भी लगा हुआ है, सेपरेटर भी लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो गया, ये हमारे पास है सेपरेटर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला जो टेक्निक है, आपने वो देखा भी होगा कई जगह, वो बता देता हूँ आपको क्या करना है, करेंसी ऑप्शन पे आना, और यहाँ ना डेसिमल प्लेस को जीरो कर दीजिए, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आई प्रेस करना जब तक INR ना आ जाए, INR का मतलब क्या है, इंडियन रुपीज, आई प्रेस करते रहो, कुछ नहीं करना बस आई प्रेस करते रहो, एंटर कर दीजिए, आप देखेंगे यहाँ INR अप्लाई हो गया है। तो देखो मैंने अमाउंट को ना चार तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में उसको डिजाइन कर दिया, जैसी मुझे जरूरत है सामने वाले को क्या मेरे से रिपोर्ट मांगी जा रही है, तो उसे ना मेरे पास तीन कंसेप्ट है जिससे उसको मैं रिपोर्ट को क्या है एक अच्छे और प्रोफेशनल रूप में उसे डिजाइन करके सामने वाले को प्रिंट करके इस रिपोर्ट को मैं दे सकता हूँ। अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो आपको सेम यही लेआउट वहां पे भी दिखाई देगा, जो जैसा है वैसा ही प्रिंट होकर निकलेगा, ये देखिए इस तरीके से। और एस्केप से बाहर आने के लिए प्रिंट से हमें क्या करना है, एस्केप की प्रेस कर दीजिए। इसका लास्ट कंसेप्ट देखिए, कई बार क्या है कि अगर यहाँ मान लो कई बार यहाँ जीरो है, मैं मान के चल रहा हूँ जीरो है, मैं यहाँ भी जीरो मान के चल रहा हूँ, जैसे यहाँ कई किसी की सैलरी नहीं बनी इस महीने की, ठीक है मान के चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ देखेंगे ना जीरो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक अजीब सा हमें लग रहा है ना बीच में, अगर जीरो हम यहाँ पे यूज करते हैं तो एक अजीब सा वो दिख रहा है, जीरो नहीं लिखना चाहिए, जीरो देखना मैं एक उसमें कन्वर्ट कर दूंगा, जैसे हाइपन साइन में हाइपन डैश माइनस, यानी कि माइनस लगा देंगे इसकी जगह, हाँ रहेगा वहाँ जीरो ही, खाली बदल जाएगा कंट्रोल वन करके ना। तो क्या करना है इधर, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अकाउंटिंग ऑप्शन पे आ रहा हूँ इस बार,
इसके सिंबल को कर दीजिए नन और डेसिमल प्लेस को जीरो। सिंबल को क्या कर देना है, नन, डेसिमल प्लेस को जीरो, और आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। जहां पहले मुझे जीरो विजिबल हो रहा था ना, वहां क्या आ गया, वहां माइनस दिखने लगा। तो रिपोर्ट पहले से अच्छी दिखने लगी, नहीं लगी मुझे। तो जहां जीरो पहले एक हमें थोड़ा सा रिपोर्टिंग में वो थोड़ी सी मतलब एक क्या है, अब वहां पे क्या जीरो जो विजिबल हो रहा था उसको हमने क्या है एक और अच्छे ढंग से उसको विजिबल कराने के लिए हमने क्या है डैश सिंबल में माइनस में कन्वर्ट कर दिया। यहां है जीरो ही, और मान लो डेटा को आपसे गलती से इसके फॉर्मेट चेंज हो जाए, तो यहां पर इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल वन करके मैं जनरल कर दूंगा, वापस पहले जैसे आ जाएगा, जैसे पहला था ये, ठीक है, ये पहले जैसा आ गया है, और कंट्रोल जैसे इसे बैक कर दो। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर क्या है नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अमाउंट की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, जहां जीरो है उसकी जगह हम माइनस सिंबल को विजिबल करा सकते हैं जहां मुझे जरूरत है। अगर अप्लाई हो जाता है, फॉर्मेट अप्लाई हो गए हैं, हटाने के लिए क्या करना, बस इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कंप्लीट को हटाना चाहूँ तो इसे मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल वन पे जाऊंगा, और जैसे ही जनरल पे क्लिक करूंगा सब कुछ जो भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया सब हट जाएगी, सिंपल आ गया, जनरल में फिर से आ गया, और कंट्रोल जेड से बैक कर देता हूँ। तो ये हमारी है आज की क्लास का पहला दिन, और आज की क्लास में हम यहीं तक सीखेंगे। आपको इस तरीके से ये सारा कुछ करके देखना आज एक्सेल के अंदर। कल इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि एक्सेल में कैसे पहचान करेंगे कि कोई नंबर है या वो टेक्स्ट है, एक्सेल में कैसे पहचान होगी, कल हम इससे बात करने वाले हैं। और माउस के कितने मेथड हैं जो इसमें, इसके क्या क्या तरीके हैं जो अलग तरीके से विजिबल होता है, ये कैसे काम करता है, वो कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं।